हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं पोरबंदर यानी सांदीपनी मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एंट्री ली है। यहाँ से एंट्री शुरू होती है और यहाँ पे जो है पेड़ पौधे और प्लांट्स जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे लगाए हैं। देखिए ये कितने गुलाबी गुलाबी घने घने फ्लावर्स जो है वो, जैसे हमने यहाँ पे हम एंटर ही हुए हैं और माहौल ही इतना फूलों से भरा सुगंधित और मधुमय वातावरण है, तो ये देखना भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स है और ये मंदिर जो है वो बहुत ही बड़ा है। और ये जो है सभी सब कुछ यहाँ पे जो है रमेश भाई ओझा के अंडर में हो रहा है। उन्होंने ही, उनके ओनर ही वो है। और यहाँ पे सब कुछ जो है वो बच्चों को मतलब पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे अच्छा सा बगीचा है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने ये बोर्ड देखा कि यहाँ पे नाश्ता करना मना है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो बगीचा है वो एकदम स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे जो फ्लावर्स के पौधे लगाए हैं यहाँ पे, और इस सब का कटिंग भी बहुत ही सुंदरता से किया गया है। तो नाश्ता यहाँ पे इसलिए मना है कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यहाँ पे सब शुद्धता रखें तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। ख़ास करके छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उनको ही कोई गंदगी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे जो है शुद्धता का जो है आग्रह किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन जो है, अभी ये अभी हम थोड़ा अर्ली आए हैं तो रात को तो ये फाउंटेन बहुत ही अच्छा कलरफुल लाइट वाला होता है। और यहाँ पे देखिए ये गार्डन जो है, बच्चे जो है अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। कुदरती शांतिमय वातावरण और यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण का जो है बहुत बड़ा मंदिर है और उनके मंदिर में ही ये अच्छा पॉजिटिव वातावरण से भरा ये जो गार्डन है, वहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। कई सारी फैमिलीज जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। और अभी देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और पूरा माहौल देखिए आप, मंदिर कितना मोहित लग रहा है यहाँ से देखने में। और यहाँ पे जो लोग आते हैं शाम को, यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनको बहुत ही आराम मिलता है, सुकून मिलता है कि हम यहाँ पे आए हैं और भगवान का मंदिर है, तो ये एक आरामदायक जो है बात है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए अभी कृष्ण जो है वो झूला झूल रहा है। कृष्ण को झूला झूलना बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है झूले हमने यहाँ पे देखे हैं, तो उनमें से कृष्ण को जो झूला पसंद था वो उसमें अभी झूला झूल रहा है। और बाकी ये बच्चे भी है वो भी झूल रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो एडजस्ट कर रहे हैं, एक झूला जो है यहाँ पे टूटा हुआ है लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी और भी स्लाइड्स और बच्चों को खेलने की चीज़ें जो है यहाँ पे है, तो जो भी बच्चे को जो भी पसंद आता है वो वहाँ पे जाके खेलने लगता है। ये तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो देखिए मंदिर कितना आलीशान है और उनका जो है वाइटनेस जो है वो देखने में एकदम मनमोहक लग रही है। तो मंदिर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊंगी कि देखिए ये कितना सुंदर मंदिर है। उनके स्टेप्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि कोई भी अगर उनको वहाँ पे ऊपर चढ़ेगा तो एकदम आराम से चढ़ सकता है। और भगवान का मंदिर जो है वो कई सारे गेट है यहाँ पे, तो कोई भी गेट से आप अंदर मंदिर के जा सकते हो। मैं अभी जो है कैमरा मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मना किया गया है कि अंदर कोई भी फ़ोटो लेना या फिर शूटिंग करना अलाउ नहीं है, तो नियम का जो है पूरा पालन करेंगे हम यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए पीछे की साइड में हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही शांतिमय वातावरण है यहाँ पे।
तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मैंने पीछे थोड़ा सा देखा तो मुझे कुछ ब्लू कलर का यहाँ पे नज़र आया। फिर मैं थोड़ा थोड़ा जैसे ही नज़दीक यहाँ पे गई तो मैंने देखा कि ये देखिए एक ब्लू कलर के स्टोन जो है उससे ना पूरा ऐसा पर्वत टाइप का बनाया गया है, और ऊपर यहाँ पे जो है महादेव जो है उनकी प्रतिमा लगाई गई है। और देखिए अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ, नीचे जो है वो झरने जैसा कुछ बनाया है। यहाँ पे शायद ऐसा होगा कि ऊपर से जो है पानी आ रहा होगा और नीचे झरना टाइप है। तो महादेव देखिए आप ऊपर विराजमान है, उनके दोनों साइड में यहाँ पे नंदी भी विराजमान है। तो ये पूरा बहुत ही मनमोहक है, तो एक बार सांदीपनी ज़रूर।